हेलो गाइज वेलकम टूर चैनल वी आर बैक फॉर द ना वीडियो तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर एक आर वन फाइव वर्जन थ्री के ओनर हैं तो क्या आपको आर वन फाइव वर्ज़न फोर लेना चाहिए या नहीं तो यहाँ पे यही मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको डिटेल में तो बात कर लेते हैं पहली पॉइंट की तो पहली पॉइंट आती है यहाँ पर बाइक की पावर क्योंकि बाइक की पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती है कोई भी बंदा अगर बाइक अपग्रेड करता है तो यहाँ पे जो भी बंदे आर वन फाइव वर्जन थ्री चला रहे हैं तो भाई मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप वर्जन फोर मत खरीदो क्योंकि यहाँ पे आर वन फाइव वर्जन थ्री में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है एज़ कम्पेयर टू वर्ज़न फो जैसा कि आप जानते हैं कि आर वन फाइव वर्जन थ्री में आपको नाइनटीन पॉइंट थ्री बी एच पी देखने में मिलता है वहीं पे आप अगर हम बात करेंगे आर वन फाइव वर्जन फोर के बारे में तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बाइक की पावर थोड़ी कम मिल जाती है मीन्स एटीन पॉइंट थ्री बी एच पी मिल जाता है तो भाई ये चीज़ें आपको हामियाँ कर सकती हैं तो कोई भी बंदा भाई यही सोचेगा कि बाइक की पावर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए जैसे कि आप सब जानते हैं आर वन फाइव वर्ज़न टू में जो पावर था उसके बाद आर वन फाइव वर्ज़न थ्री में जो पावर आया उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था तो ने इस बार मानता हूँ बहुत चीज़ें चेंज की भाई पर थोड़ी सी बाइक की पावर ज़रूर बढ़ानी चाहिए थी जो कि सबसे यही रीज़न है कि बहुत बंदे इस बाइक को पसंद नहीं करेंगे बाइक का लुक मैं टेन आउट ऑफ टेन दूंगा भाई बाइक की लुक वर्जन थ्री के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है ज़्यादा स्टाइलिश है और ज़्यादा बेटर फीचर्स है तो हम दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरे चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पे यू एस फोक्स आपको देखने में मिल जाते हैं तो भाई यू एस फोक्स ज़्यादा मैटर नहीं करता कोई भी बंदा जब बाइक खरीदता है तो भाई बाइक की पावर ही ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक चेंजेस और किया गया है जैसे वाइडर सीट दे दिया इस कम्पेयर टू द पहले वाले से तो ये चीज़ें चेंज की गई है और यहाँ पे और यहाँ पे एक और मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आप लोगों को क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मानता हूँ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फ़ीचर्स वगैरह बहुत अच्छे दे दिए गए हैं और जैसे कि देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल जो है बाइक का V3 का ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द V4 क्योंकि यहाँ पे छोटा दे दिया हुआ है थोड़ा सा तो ये प्रॉब्लम है भाई आ, मुझे नहीं अच्छी लग रही है क्योंकि कोई भी V3 वाला बंदा बोलेगा कि भाई सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है तो यहाँ पे कोई भी बंदा V3 वाला बोलेगा कि भाई वी की इतनी अच्छी नहीं है और चेंजेस की बात की जाए तो थोड़ा सा हैंडल बार को रेस कर दिया गया है तो ये चेंजेस किया गया है बाइक में और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आ, तो गाइज़ अगर आप सोच रहे हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर और भी ज़्यादा फीचर्स है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आप अपग्रेड कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत अच्छी बाइक है वर्ज़न फ़ोर भी मैं उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा पर बट भाई मैं आपको यहाँ पे एक ड्रैग रेसेस दिखाने वाला हूँ जो कि आर वन फ़ाइव वर्जन थ्री बी एस फो मॉडल जो है मेरा उसमें है और आर वन फाइव एम में है तो आप बताइए कि कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट है तो भाई लोग मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें आर वन फ़ाइव वर्जन थ्री और आर वन एम का ड्रैग रेसेस हुआ है आप बताइए कि आर वन फाइव एम लेना चाहिए या नहीं सो so गाइज यहाँ पे आप ड्रैग ड्रैगरेसेस देख सकते हैं आर वन फाइव वर्जन थ्री बी एस वो मॉडल में और आर वन फ़ाइव एम जिसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है तो यहाँ पे ड्रैग ड्रैगरेसेस हुई है और uh, देखते हैं कौन सी बाइक विन होती है तो यहाँ पे कि जैसा देखा जाए आर वन फाइव वर्जन थ्री काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द आर वन फाइफ एम क्योंकि आर वन फाइव वर्जन थ्री बी एस वो मॉडल में आपको नाइनटीन पॉइंट थ्री बी एच पी मिलता है और वहीं पे देखा जाए तो आर वन फाइव एम में आपको एटीन पॉइंट थ्री बी एच पी मिलता है तो ये प्रॉब्लम है भाई कि आर वन फाइव एम में आपको थोड़ी ज़्यादा बी एच पी होती तो कोई भी वी थ्री वाला बंदा मैं ही आर वन फाइव वर्जन थ्री चलाता हूँ तो भाई मुझे ज़्यादा पावर चाहिए या फिर आ, कोई भी बंदा सोचेगा भाई हमको जब ज़्यादा पावर मिलेगा तब हम अपग्रेड करेंगे भाई मैं यही कहना चाहूँगा वी थ्री ओनर को कि आप अपग्रेड मत करो अरव अरवन फाइव वर्ज़न फोर में जब बाइक की पावर वर्ज़न फाइव हो सके आए तो पावर थोड़ी ज़्यादा मिले तो आप अपग्रेड करना क्योंकि वैसे कुछ खास चेंजेस कर दिया नहीं गया इस बाइक में वैसे आप देखेंगे तो यू एस डी कर दी गई है बाइक में और प्रोजेक्टर हैडलैम्प एड कर दिया है बट uh, एक और मैं प्रॉब्लम बताऊंगा प्रोजेक्ट हेडलैंप का तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हेडलैम्प हमें देखने मिलता है इसकी जो विजिबिलिटी uh, है दूर तक तो जाती है बट यहाँ पे विजिबिलिटी इतनी खास नहीं है और वहीं पे वी की देखी तो दूर तक नहीं जाती बट जहाँ तक जाती है आपको पूरा विजिबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी कुछ आर वन फ़ाइव वर्जन थ्री में जो कि आर वन फाइव वर्ज़न फोर में नहीं है और वहीं पे देखा जाए तो भाई क्विक uh, शिफ्टर का ऑप्शन आपने ऐड किया है बट यहाँ पे आर वन फाइव वर्जन थ्री काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द वर्जन फोर और एम में तो भाई कुछ ऐसे रीजन्स है मीन्स आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए आर वन फाइव वर्जन थ्री आपके पास है तो आप उसमें ही खुश रहो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है ज़्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं दिया गया है बस फ्रंट के लुक को चेंज किया गया USD है यू एस डी फोक्स एड किया और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऐड की है तो भाई बाइक की पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती है और यहाँ पर देखा जाए तो बाइक की हाइट भी थोड़ी सी नीचे कर दी गई है एज़ कंपेयर टू दो वर्जन थ्री और वहीं पे देखा जाए तो इसमें एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको नहीं देखने में मिलते तो ये भाई मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी आर वन फाइव वर्जन फोर में अदरवाइज अगर आप नए बंदे हैं आर वन फाइव वर्जन फोर लेना चाहिए ये चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बिंदास ले सकते हैं बट यहाँ पर बाइक की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बाइक की प्राइस अराउंड दो लाख के आसपास जा सकती है या लाख के ऊपर जा सकती है तो आप अपग्रेड करते टाइम थोड़ा सोच लेना कि भाई हमको बाइक में पावर थोड़ी कम मिलेगी वो चलेगा तो ठीक है भाई आप अपग्रेड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और अदरवाइज अगर आप आपको पावर ज़्यादा मैटर करती है तो भाई आप वर्ज़न थ्री को ही चलाओ और वर्ज़न फाइव मान लो मार्केट में आते, आएगा तो आप उसको ख़रीद लेना होप यू गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब